मैंने सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा, चौतरफा लाठियों से ठुकना, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होना। एसपी पहले भी राजनीतिक दबाव में थे और अब बदले की राजनीति के दबाव में। इंटरव्यू तो मेरा ले लेना, लेकिन अगली बार वोट देने जाओ ना तो ध्यान से जाना किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। पुलिस ने ऐसे हाथ हिलाए, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर। मैं वो जनप्रतिनिधि हूँ जो 3 पीढ़ियों से 70 साल से यहाँ बैठी है। हम अपराधियों का साथ देकर यहाँ पर बार बार नहीं बैठ सकते इतने सालों से। गोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के, मार्केटिंग के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव था तो मेरी गाड़ी के ऊपर पुलिस की सुरक्षा, जो कि स्वयं धर्मेंद्र यादव यही एसपी हैं, इन्होंने मुझे प्रदान करी थी, उसमें मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था जिसके वीडियोस वायरल हुए थे, जिस मुद्दे को मैंने दोबारा उठाया था क्योंकि धनारी कल्ला की एक मुद्दा जो कल घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके समक्ष मैं आईजी से मिली थी और मैंने आप सबको वक्तव्य दिया था, उसमें खड़ी गाड़ी के फॉर्चूनर के कांच तोड़े जाते हैं और 4 FIR होती है जिसमें रंगदारी, लूट और फिरौती जैसी संगीन आरोपों में दर्ज की जाती है। तो मेरा प्रश्न था कि उस वक्त भी एसपी आप थे, आज भी एसपी ऐसे हैं, कौन सी ज्यादा घटना संगीन है कि एक महिला विधायक, वो भी सत्ता की थी, हो सकता है विपक्ष में तो हो तो काम नहीं करें, गाड़ी में बैठी थी, मैंने सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा, एक व्यक्ति है मनीष खदार जिनका विड्रॉल कराना है, 2 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे इनपुट है, मुझे पूरी उसके अंदर पूरी रपट रोज नामचा वगैरह डले हुए हैं, पूरा मुझे आगे पीछे सुरक्षा दी जाती है, उस कैंडिडेट का हमें विड्रॉल कराना होता है और हमारे पे अटैक हो जाता है। एक खड़ी गाड़ी के कांच तोड़ना संगीन है या एक किसी महिला का गाड़ी में बैठकर चौतरफा लाठियों से ठुकना, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होना ज्यादा संगीन क्या है? उसके ऊपर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अपने अधिकृत हैंडल से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि वो जो कोऑपरेटिव चुनाव की घटना हुई थी, दिव्या मदेना अपनी एक गाड़ी में अपने एक वोटर को लेकर जा रही थी जो कि नियम विरुद्ध है और इसलिए ये घटना हुई और इसमें कार्रवाई जारी है। ये फाइल आपको ध्यान होगा, मैंने मुद्दा उठाया था कि यहां से पहले सिरोही ट्रांसफर कर दी गई थी और कोई अरेस्ट नहीं हुई। जब जोधपुर ग्रामीण का अधिकृत हैंडल ये कहता है कार्रवाई जारी है तो इसका मतलब उनके अधीन है। उसके बाद जब मैंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये पूछा कि कौन सी नियम वाली है, कौन सा एक मैनुअल है जिसमें मैंने अपराध पाया जाता है, आप उसको अपराध की श्रेणी में मानेंगे कि वोटर या कोई मेरे साथ जा रहा है और मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो मैंने अपराध किया है या उल्लंघन किया है किसी नियम का, तो उन्होंने आरपी एक्ट सेक्शन 133 का उल्लेख किया ट्वीट के ऊपर। मैंने उस पर फिर 2 दिन प्रश्न पूछे और सब सुन गया। मैंने पुलिस हेल्प डेस्क राजस्थान को भी पूछा और इनको भी पूछा कि आपने आज तक, अभी आपने एमपी के चुनाव कराए, यही एसपी थे, आपने 2023 के एमएलए के चुनाव कराए, यही एसपी हैं, कितने 123 के मामले आपके सामने आए जिसका उल्लंघन किया हो, उसमें आपने कितनों पे कार्रवाई करी, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने राजस्थान पुलिस को भी किया है कि अभी एमपी के चुनाव हुए, पहले फेज में 19 अप्रैल को और दूसरे फेज में 26 अप्रैल को, 133 के नियम के किसी की गाड़ी में अगर वोटर बैठकर जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है, ऐसे कितने मामले पूरे राजस्थान में आए, क्योंकि ये मामला मेरे पे आया है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक प्रश्न चिन्ह आम व्यक्ति में आ गया कि भैया हम किसकी गाड़ी में बैठ के जाए। आप में से किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा इंटरव्यू तो मेरा ले लेना, लेकिन अगली बार वोट देने जाओ ना तो ध्यान से जाना किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। पुलिस ने ऐसे हाथ हिलाया, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर, अब ये तय करेंगे हम किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं पूरे तैयारी के साथ आई हूं, ये FIR है और ये FIR मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मैंने सार्वजनिक कर रखी है। ये FIR स्वयं पुलिस ने करवाई थी क्योंकि मैं पुलिस की सुरक्षा में गई, एसपी ने मुझे कहा आप FIR करवाइए, मैंने कहा मैं आपकी सुरक्षा में थी, जब मेरे पे अटैक हुआ आपकी विफलता थी और मैं क्यों करवाऊं, आपके रहते आपके बीच में आगे पीछे ऐसे जो था क्राइम घटित हो गया तो आप कराइए, तो स्वय संज्ञान लेके इन्होंने करवाई। अब पुलिस को तो मैं कह नहीं सकती हूं ना कि मैं कहूं जैसे FIR लिखवाऊं, मैं करवाती तो मैं मेरे हिसाब से लिखवाती, तो ये भोपालगढ़ के SHO ने FIR लिखवाई। FIR का जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप देख लेंगे हाईलाइटेड है, वो कहता है निर्वाचन के नाम वापसी के समय नाम वापसी की बात को लेकर पक्षों में भिड़ंत हो गई और ये घटना बताते 1 PM से 1:30 PM की।
ये अधिकृत टाइम टेबल है कोऑपरेटिव चुनाव का, जो कोऑपरेटिव विभाग से होता है। आरपी एक्ट मूलतः तो लेजिस्लेटर एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए होता है। पंचायती राज और इन संस्थाओं के इनके अलग इलेक्शन रूल्स बने हुए हैं। कोऑपरेटिव एक्ट में कोऑपरेटिव चुनाव के इलेक्शन रूल्स के तहत उनका चुनाव होता है, जिसके उल्लेख से यहां पर यह टाइम टेबल है। टाइम टेबल में आप देख सकते हैं 1.5 से 2 के बीच में फॉर्म विड्रॉ होता है, 3 से 4 के बीच में मतदान। तो ये तो स्पष्ट है कि जब मैं जिसको लेकर जा रही थी वो वोटर नहीं था, वो कैंडिडेट था, स्पष्ट है। फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है, किताब कार्रवाई, एक एक निर्वाचन की, उसके अंदर से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मनीष कुमार जो मेरी गाड़ी में थे उनका फार्म आया, 1 से 1.5 से 2 के बीच में इन्होंने विड्रॉल किया और इनका नाम हट जाता है, क्योंकि ये विड्रॉ कर लेते हैं और यही लोग ले जाते हैं। बाद में उनको मेरी गाड़ी से हटाकर और फिर पुलिस को अंदर कैसे भी करकुरा के उनको किसी तरीके से विड्रॉल कराया। तो मैं पूछने आई थी, इनफैक्ट ट्विटर हैंडल ये कहता है कि मैंने दिव्या मदेना पूर्व विधायक वोटर को अपनी गाड़ी में ले जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध है, मान लिया उन्होंने। किस नियम का उल्लंघन किया? आरपी एक्ट 133 का। सार्वजनिक जीवन में बैठे 3 पीढ़ियों से हैं, तो मेरा एक जागरूक और जनप्रतिनिधि के रूप में ये था कि मैं आयोग के समक्ष पेश हूं। मैंने पता किया फाइल कहां है, तो मुझे पता लगा एसपी हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी के पास है। मैं वकील के साथ आई हूं, मुझे ये लगा था कि अपराध इन्होंने मान लिया है उल्लंघन का, तो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बेलेबल है, तो मुचल के भरवाएंगे। तो मैं आरसी वारसी अपने आईडी वाईडी लेकर आई थी कि भाई मुचल के भरवाइए, मैंने किया है। और इससे जागरूकता आएगी कि दिव्या मदेना आई है और उन्होंने अगर कोई नियम विरुद्ध काम किया है अपनी गाड़ी में वोटर को बिठाने का, तो आज के बाद से राजस्थान में संदेश जाएगा कि कब किसको कहां वोटर को बिठाना है, और इस तरीके से पुलिस इसका उल्लंघन इस नियम नहीं करे और पुलिस इसका मिसयूज नहीं करे। मैंने उनसे पूछा कि बताइए मैंने इसका उल्लंघन कैसे किया, कैसे आप इसको मानते हैं। तो एडिशनल एसपी जो कि आयो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसको आज की तारीख में उल्लंघन नहीं मानते हैं और ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, दोनों है मेरे पास हिंदी और अंग्रेजी, जो ट्वीट किया गया है 133, इफ एनी पर्सन इलीगली हायर्स और प्रोक्योर्स एनी व्हीकल फॉर द फ्री कन्वेंस ऑफ एनी इलेक्टर अदर देन द कैंडिडेट हिमसेल्फ, मेंबर ऑफ हिज फैमिली और हिज एजेंट टू एंड फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन कमिट्स एन ऑफेंस सेक्शन 133 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब मैं आपको आम लोगों तक ये बात पहुंच सके इसका हिंदी वर्जन पढ़ के सुनाती हूं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य, उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य निर्वाचक को किसी मतदान केंद्र तक या वहां से आने जाने के लिए अवैध रूप से कोई वाहन किराए कर ले जाता है या खरीदता है, तो वो अपराध है। तो मैंने इनसे पूछा कि पहले आप मुझे बताइए कि मैंने ये अपराध कैसे किया है। कोई व्यक्ति की श्रेणी में तो मैंने लिख दिया दिव्या मदेना, लेकिन वोटर कौन है यहां पर? मैं जिसको ले जा रही थी वो उम्मीदवार है, वो तो 1:30 बजे से जो घटना हुई 1:15 में, वो तो उस वक्त उम्मीदवार था। मतदान होगा कि नहीं होगा, निर्विरोध हो जाएगा, इसके ऊपर तो खुला ही नहीं था जब तक वो चस्पा नहीं होते। तो जब ये प्रकरण हुआ उस वक्त तो मेरी गाड़ी में उम्मीदवार था। बहरहाल मैंने आप इनको कहा कि आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा राजस्थान में अब सब इसके ऊपर निगाहें टिकी हैं कि मान लीजिए अगर मैं वोटर को ले जा रही हूं और ले जाऊं कभी तो क्या होने वाला है। अगर मैं किसी वोटर को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाती हूं तो साबित होना चाहिए कि मैं अवैध रूप से कोई वाहन किराए कर या खरीद कर ले जा रही हूं, तो अपराध है। अगर आप अगर जान पूछ कर बदले की राजनीति से करते भी हैं, तो अवैध रूप से मैंने कोई गाड़ी किराया करके वोटर ले जा रही हूं, ये कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं कर सकते। आज तक अभी तक मुझे तो कोई मिला नहीं है जिसने जवाब दिया। मैं आरटीआई लगाऊंगी डीजी ऑफिस में जाकर के राजस्थान के अंदर पुलिस ने इस प्रकरण 133 के अंदर किसी वॉयलेशन में किसी को माना है कि नहीं माना। बात खत्म हो गई कि अभी तक मुझे इसमें पाया नहीं गया है। कोऑपरेटिव के ये रूल्स मंगा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें होगा कि नहीं। अब बात आ जाती है ट्विटर हैंडल की। जोधपुर ग्रामीण के सबसे बड़े अधिकारी हैं एसपी धर्मेंद्र यादव। जोधपुर ग्रामीण ट्विटर हैंडल किसी के व्यक्ति का ट्विटर हैंडल नहीं है,
जोधपुर ग्रामीण पुलिस का अधिकृत हैंडल है, अर्थात सबसे सर्वोच्च अधिकारी एसपी है, तो ये एसपी का वक्तव्य है। आयोग कह रहे हैं कि हमने इसमें आपको संलिप्त पाया नहीं है, इसका उल्लंघन पाया नहीं है, अभी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न पूछ लिए। मैं कह रही हूं आप कह रहे हैं आपने पाया है, ट्विटर हैंडल कहता है आपने पाया है, मैं भगूंगी नहीं। मुचलका करे, नॉन कॉग्निजेबल है, अवेलेबल है तो मुचलका भरिए, मेरे वकील आए हैं, हम सब कुछ आरसी अपनी आधार कार्ड कॉपी सब लेके आए, वो भरवा नहीं सके, असमर्थ थे क्योंकि पाया नहीं गया। अब वो कह रहे हैं हम इलेक्शन के रूल्स मंगवाएंगे, मैंने कहा आप कोई भी रूल मंगवा लीजिए, अपराध तो हुआ ही नहीं है, मेरे साथ कैंडिडेट था, और अगर वो वोटर भी आप करोगे आगे जाके किसी तरीके से पजाने के लिए, अब आप बदले की राजनीति से चलोगे, तो कैसे प्रूव करोगे कि मैंने अवैध रूप से गाड़ी किराया करी और उसको लेकर आई। ये ट्वीट कब आया इसकी टाइमिंग को देखिए, मैं जब आईजी के समक्ष एसपी की कार्यशैली के विरुद्ध गई, उसकी बात शिकायत करी और मैंने मीडिया में वक्तव्य दिया कि एक खड़ी गाड़ी के कांच टूटने पर 4 FIR होती है, संगीन अपराध के अंदर उनको बनाते हैं, पब्लिक डिस्टेंशन और पब्लिक शेमिंग का जब मैंने मुद्दा उठाया और इस बात पर ध्यान केंद्रित करा कि सिर्फ जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही पब्लिक शेमिंग हो रही है, तब ये ट्वीट देर रात को आता है कि आपने उल्लंघन किया है, बदले की राजनीति से नहीं चलेगी जोधपुर ग्रामीण। लेकिन से किसी का खुद का व्यक्तिगत हैंडल नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है, और मैं जाऊंगी, मैं डीजी से मिलूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लूंगी, और इस बात को रखूंगी कि क्या अधिकृत पुलिस के ट्विटर हैंडल्स इस तरीके से रात को ट्वीट कर रहे हैं, आयो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें उल्लंघन पाया नहीं गया है। फिर आयो ने मुझसे कहा कि साहब ये इसलिए हुआ कि वोटर या जो भी था कैंडिडेट आपकी गाड़ी में था, परिवादी ने ये कहा कि वो आपकी गाड़ी में था तो अटैक हो गया, तो मैंने कहा ये तो मोटिव हुआ, मैंने उल्लंघन कहां किया, मेरे पे तो झूठ उड़े, मैंने क्या उल्लंघन किया। मैंने इनको कहा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, दो भाई हैं या दो पड़ोसी हैं, आपस में आसपास मकान, उनका विवाद है, पड़ोसी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पड़ोसी के घर जाए, लेकिन वो चला जाता है और वीडियो गेम देखने लग जाता है, उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है, वो वहां पे जाके मारपीट कर देता है या गोली मार देता है, तो कारण हुआ ना कि उसने वो घटना क्यों घटित करी, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया कि उसका बेटा वहां गया, वहां जाना अपराध नहीं था। अगर मेरी गाड़ी में उस कैंडिडेट का होना सामने वालों को पसंद नहीं था और इस कारण उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, ये तो घटना का कारण हुआ कि घटना क्यों घटित हुई, मैंने थोड़ी कोई उल्लंघन किया है। और इस बात से आयो बिल्कुल अग्री हुए कि हाँ ये कारण हो सकता है, ये उल्लंघन नहीं हो सकता, और इस उल्लंघन के समक्ष वो मेरे मुचलका नहीं भराया, आज उनकी फाइल में मैं इसकी नियम विरुद्ध उल्लंघन मैंने नहीं किया है, और मैंने उनसे कहा है या तो ये ट्वीट डिलीट कीजिए, नहीं तो फिर इसको मॉडिफाई कीजिए कि इसकी अभी जांच चल रही है, आज की तारीख में 133 का उल्लंघन नहीं पाया गया है। जोधपुर ग्रामीण को मैं ये कहना चाहती हूँ, एक वक्तव्य उन्होंने और दिया था कि जनप्रतिनिधि यदि अपराधियों का साथ देंगे तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। मैं वो जनप्रतिनिधि हूँ जो 3 पीढ़ियों से 70 साल से यहाँ बैठी है, हम अपराधियों का साथ देकर यहाँ पर बार बार नहीं बैठ सकते इतने सालों से, हमें पता है कब किसके लिए आवाज उठा, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि अगर पुलिस गलत कार्यशैली किसी के साथ करती है तो उसकी आवाज बनेंगे। और दूसरी बात, इनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर जनप्रतिनिधि 120B आपराधिक षड्यंत्र के अंदर होता है, वो कॉन्स्पिरेसी रचता है 5 जनों के साथ बैठ के, चलो तुम ये लो, तुम ये हायर करो, ये करो, तब मैं 120 में आ सकती हूँ। घटना पे जो घटना घटित होती है आपराधिक, उस पर गोली मारना, मारना पीटना, जो भी अगर मैंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस घटना पे किया है तो मैं आती हूँ, या घटना के बाद में साक्ष्य मिटाने में अगर मेरा कोई रोल होता है तो मैं आती हूँ। जनप्रतिनिधि अगर किसी का साथ देंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, तो आप कार्रवाई कीजिए, मैं भी देखती हूँ आप जनता की आवाज उठाने पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा पुनः यही कहना है कि इस तरीके से पुलिस के अधिकृत हैंडल पर बिना ज्ञान के रात को 12-1 बजे कौन ट्वीट कर रहा था। मैंने आईओ को कहां से ट्वीट होता है, तो कहा हमारे साइबर सेल का एक कमरा बना हुआ है, कहां पे यहीं पे वहां बंद होता है, तो मैंने कहा उसका कोई इंटरकॉम नंबर होगा आप लगाइए, कौन बैठा था उस वक्त, आपसे तो लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कल आयो को फोन किया था और मैंने आयो को कहा था कि मैं आपके समक्ष आना चाहती हूँ इस केस के अंदर, उन्होंने कहा मैंने फाइल पढ़ी नहीं है, मैंने कहा आप फाइल पढ़ लीजिए, और अगर आप आए हो आपने फाइल पढ़ी नहीं है तो ट्वीट कौन कर रहा था परसों रात को,
आपके बिना नॉलेज के किसने ट्वीट किया, जिसको आयोग के बिना तो कोई कह नहीं सकता है, या आयोग ने बताया हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसकी पुष्टि हो गई है, ये इसके अंदर है, किसने किया? आप फोन लगाइए, पता कीजिए एएसआई है या कौन बैठता है, उसको किसने निर्देशित किया, कहां से उसने ये स्क्रीनशॉट लिया 133 का? वो नहीं लगाया उन्होंने बिकॉज इट वॉज नन अदर देन द एसपी, बिकॉज जोधपुर ग्रामीण ट्वीट करता है तो हम ये मानेंगे कि एसपी ट्वीट करते हैं, उसको आप अलग रूप से नहीं देख सकते। अगर मैं मेरे ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर रही हूं तो मेरा अधिकृत बयान है, मैं ही नहीं कह सकती मैंने ट्वीट किया और अब मेरा बयान नहीं। इसलिए मैं आज आपके बीच आई हूं, वोटर कब किसकी गाड़ी में बैठता है, अगर वो अवैध रूप से स्थापित हो तो ही नहीं बैठ सकते, इसलिए आप खुश रहिए, आप बैठकर वोट देने जा सकते हैं। अगर आप कहें कि भैया मेरे को आपके साथ जाना है लेकर चल, तो आप वोट देकर जा सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं हो। पुलिस की वीडियोग्राफी हो रही थी, खुद स्वयं पुलिस वीडियोग्राफी कर रही थी वहां पर, और एसपी पहले भी राजनीतिक दबाव में थे और अब बदले की राजनीति के दबाव में है।